अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। नाजरीन, मैं डॉक्टर अदनान नसीर फजल, और आज हम जो है एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाजरीन, आज मैं कुछ आपको एक इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो बताने जा रहा हूँ, ताकि आप घर में रहते हुए हर तरह का ट्रीटमेंट जो है ना, फर्स्ट एड, वो आप पेशेंट्स को डील कर सकें। तो नाजरीन, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन, हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आज हम एक मेडिसिन जो है वो डिस्कस करेंगे, होम्योपैथिक की मेडिसिन होगी, और एज ए फर्स्ट एड जो है आप उसको घर में यूज करेंगे। नाजरीन, अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम की जानिब। साइन एंड सिम्टम ये है कि नाजरीन, अगर खुदा ना खासा कोई बंदा घर में अचानक बीमार हो जाता है, अचानक उसको कुछ तबीयत में तब्दीली आ जाती है, मिसाल के तौर के ऊपर तेज बुखार का अचानक हो जाना, अचानक मोशन, डायरिया स्टार्ट हो जाना, थ्रेट और खौफ आ जाना, दिमागी परेशानी, बेचैनी पैदा हो जाना, अगर किसी को खुदा ना खासा हार्ट अटैक होने का खतरा होता है, और उसको जो है वो ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जान को खतरा पड़ जाता है, और लेकिन होता शिद्दत और अचानक है एकदम से, जैसे कि अभी कुछ भी नहीं था और चंद लम्हे पहले और चंद लम्हे बाद जो है उसकी जान के ऊपर बन गई, शदीद तरीन शिद्दत के साथ आने वाली तमाम अलामात जो कि अचानक जाहिर होती हैं, चाहे उसमें किसी भी किस्म की कोई भी अलामात पाई जाए, मिसाल के तौर के ऊपर घर में अचानक बच्चों को कान में दर्द हो सकता है, मोशन, फीवर, या ये जुमला आपने याद रखना है मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले कि इसकी अलामात जो है, इसकी सिम्टम साइन जो है अचानक डेवलप हुए हैं, उसमें किसी किस्म का कोई जो है टाइम ड्यूरेशन लेट नहीं है, वो फिर क्रोनिक में चला जाता है और साइन एंड सिम्टम चेंज हो जाते हैं, उस पर फिर मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी, फिर आप गिला भी कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन बताई और हमने। इसमें एक बात का खास ख्याल रखना ये है कि कोई भी ऐसा अचानक हादसा ही रूनमा हो जाता है, कोई अचानक घर में खुशी आई, उसकी वजह से किसी बंदे की अचानक तबीयत खराब होगी, घर में अचानक कोई परेशानी या गम का कोई पहाड़ टूट जाता है, तो उसके नतीजे में कोई हमारी माँ बहन या बेटी या कोई बेटा या कोई और जो कम दिल का, छोटे दिल का मालिक है, वो अचानक बेहोश हो जाता है, तो उसके ऊपर भी आप ये मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपने ये मेडिसिन फौरन अप्लाई करनी है, इसका रिजल्ट मिलेगा और फर्स्ट एड के तौर के ऊपर आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह नाजरीन, अगर अचानक खुदा ना खासा किसी को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है एक्सीडेंट के बाद, इंजरी के बाद, तो आप उसको भी दे सकते हैं। इमरजेंसी की तमाम कंडीशन जिसमें शिद्दत, बेचैनी, घबराहट और इस तरह के साइलेंट सिम्टम पाए जाएं, उसमें आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं अपनी मेडिसिन की जानिब। मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट नपेलस 200 ताकत में आप ले लें, मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं लोकल में, इसके अलावा आप जर्मनी की भी यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्टेड। ये तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल होगी, आप घर में इसको एज ए फर्स्ट एड के तौर के ऊपर भी याद रखें, और जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, बच्चे, बच्चियाँ, हमारी माएँ बहनें जो होम्योपैथिक डॉक्टर बन रही हैं, वो भी इस बात को याद रखें कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन आपने यूज़ करनी है, फर्स्ट एड की फर्स्ट मेडिसिन फर्स्ट ईयर की, वो है एकोनाइट नपेलस, और उसके साइलेंट सिम्टम डिस्कस मैंने कर दिए हैं। आपने इसको 200 पोटेंसी में 3-3 कतरे जो है आपने देने हैं, एज ए पर कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन और नवीयत के मुताबिक। आप फर्स्ट एड के तौर के ऊपर पहले 5-1 कतरे जो है उसकी ज़बान पर डोज दें, उसके बाद इंतज़ार करें, अगर पेशेंट रिकवर हो जाए, बेहतर होना शुरू हो जाए, तो आप दोबारा दवाई ना जल्दी दोहराएं, लेकिन अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा 10 मिनट के अंदर, तो आप दोबारा दवाई रिपीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट ने हल्का सा भी रिस्पॉन्स कर दिया है, थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो फिर आप वेट एंड वॉच करें 15-20 मिनट, आधा घंटा,
जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होता है फिर दोबारा दवाई रिपीट कराए। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी किसी को घर में अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक अचानक से, उसको सीने में शदीद दर्द, बेचैनी, घबराहट, ठंडे पसीने या बीपी शूट कर जाता है, तो आप बेफिक्र होके ये दवाई यूज़ करें, इंशाल्लाह 200% रिजल्ट मिलेगा। और जो दोस्त कहते हैं कि होम्योपैथिक रिजल्ट नहीं देती, वो मेरे इस नंबर पर रब्ता करें, मेरे पास आ जाएं, मैं उनको रिजल्ट लेकर दूंगा, उनको पता चलेगा कि रिजल्ट होम्योपैथिक ऐसे देती है, इतनी जल्दी तो गोली भी असर नहीं करती जितनी जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन असर करती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की आप मेडिसिन भी पढ़ चुके होंगे, इसका मुकम्मल इस्तेमाल इंडिकेशंस यही हैं कि अचानक कोई शाज़ो नाज़र शदीद अलामात ज़ाहिर हों बॉडी में, तो आप बिला लिहाज एक्विनाइट नोबेलिस 200 में फौरी तौर पर यूज़ करें और इंशाल्लाह 100% रिजल्ट दें। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नज़ीर फजल को इजाज़त दें, नेक्स्ट मेडिसिन के साथ जो है दोबारा बहुत जल्द हाजिर होंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।